नमस्ते, स्वागत है आपका लाइफ ऑफ टीवी सर्वाइवर डे 49। तो ये था मेरा बर्थडे मंथ दिसंबर। तो मैंने विशाल को कहा था कि मुझे कहीं घूमने जाना है, तो हम निकल गए थे उत्तराखंड। जगह का नाम था मांडलू। तो यहाँ मैंने अंकिता को कहा कि मेरी रील बना दे, तो रुशल मेरी रील बन गई थी और गोलू मोलू भी हमारे साथ थे। लेकिन ट्रैवलिंग में ये थोड़ा सा डर गए थे, तो इनको यहाँ मैं सहला रही हूँ। बहुत शिवर कर रहे थे ये, तो यहाँ विशाल इनको थोड़ा प्यार कर रहा है, सहला रहा है, तो ये ठीक हो गए थे। उसके बाद मैंने इनको गोदी में ही ले रखा पूरे रास्ते। एंड देन जो है हम पहुँच गए वहाँ पर। तो रास्ता बहुत ही ज़्यादा जो सुंदर था, जो यहाँ से तो बहुत ज़्यादा फॉग थी, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते सब ठीक हो गया, धूप निकल गई और बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो फाइनली ये पहुँच गए। हम हमेशा जो जाते हैं लग्जीरियस होटल या ऐसी जगहों पे बिल्कुल नहीं जाते हैं, हम हिडन होम स्टेज वगैरह होते हैं जो आउटस्कर्ट्स में होते हैं, वहाँ जाते हैं। लेकिन इस बार हमारे साथ भाई भाभी एंड रुशु भी साथ में थे, तो इससे तो आप मिल ही चुके हो। मैंने बहुत सारी इसकी फोटोज़ और वीडियोज़ डाली थी। तो अभी ये बड़ी हो गई है, अब छोटू सी नहीं रही है, अब ये बहुत बड़ी हो गई और शैतान बहुत हो गई है। जो इसे मिलता है उसको खाने को दौड़ पड़ती है। तो यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हम निकल गए थे अपने होम स्टे में। तो होम स्टे के लिए जो था रास्ता बहुत आसान नहीं था, हमें जो है एटलीस्ट 30 मिनट्स का हाइक करना पड़ा। यहाँ हमें डिफरेंट डिफरेंट रास्तों से जाना पड़ा। अभी यहाँ आपको प्लेन दिख रहा है, उसके बाद जो नदी आएगी, नदी डिफरेंट टाइप्स के पत्थर, उसमें वो सारा अपने सामान के साथ बच्चे के साथ एक लेके जाते हुए फिर हमें पहाड़ों में जाना है। तो ऐसे जो है मतलब रास्ता बहुत ही अलग अलग तरह का था, मज़ा भी आ रहा था और थोड़ा हमारा वॉक हो गया। मॉर्निंग से हम मतलब 10 घंटे तक बैठे होंगे, बट बच्चे के साथ और सामान के साथ चलना थोड़ा मुश्किल था। बट जैसे मैं हिमाचल में ही हूँ, रहती हूँ, अब तो नहीं रहती मतलब रहती थी और मुझे आदत है, तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई जैसे सिटी से आएगा तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा चलना, और अगर उसके पास सामान भी होगा। लेकिन अगर आप जो है शहर की भीड़ भाड़ से दूर आना चाहते हैं, नेचर को इंजॉय करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट प्लेस है। तो फर्स्ट मुझे नहीं पता था ये कैसा होगा क्या होगा, तो उसके बाद जब पहुंची तब बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। तो ऋषु जो है हम उठा रहे थे बारी बारी, पहले अंकिता ने उठाई, फिर मैंने उठाई, फिर अंकू मेरा भाई उठाएगा, फिर विशाल भी इसको उठाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़े जो है ऋषु और मेरे गोलू मोलू के ही लगे हुए थे। तो हम यहाँ ऑलमोस्ट पहुँच ही गए थे, तो यहाँ पे खट थी तो हम रुके हुए थे। और ये रहा होम स्टे, और ये घर जो है 100 साल पुराना है। तो ये उत्तराखंड का ट्रेडिशनल होम जैसे होते हैं वो है। और उषु ने आते ही आंटी जी की गोदी को अपना मान लिया, उसने सोच लिया कि ये तो मेरी नानी है, तो बस उनकी गोदी में जाके खेलने लग पड़ी। तो हम यहाँ बैठे हुए थे, थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे, फिर आंटी ने हमें दिए केले के पकौड़े। पहले तो हमें पता नहीं लगा यार पकौड़े किस चीज़ के हैं, लेकिन जब हमने आंटी से पूछा, शेयर था कि ये केले के पकौड़े हैं, एंड हम बहुत शौक हो गए। अभी केले के भी पकौड़े बनते हैं, चॉकलेट के और भी अजीब अजीब तरह तरह के सुने थे, लेकिन केले के पकौड़े वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। तो हमने खाए पकोड़े। उसके बाद तो यहाँ पे शाम तो हो गई थी, रात होने वाली थी, तो यहाँ ऋषु को हमने मीटिंग्स पहना लिया क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी। तो पकोड़े तो जब केले के तो खाए, उसके बाद गोभी के और पालक वगैरह के भी दिए। और सारी चीज़ें जो थी उनके खेती से थी, ऑर्गेनिक थी सारी चीज़ें, कोई मतलब इसमें पेस्टिसाइड वगैरह नहीं लगे थे, और सब बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था हमें। तो उसके बाद हम आग सेकने बैठ गए क्योंकि ठंड लग रही थी, बाहर भी जलाई थी चूल्हे के पास भी। तो ऋषु और विशाल की बहुत बनती है, बहुत पड़ती है इन दोनों की। तो ऋषु अपने फुफू जी के साथ जो है खेल रही थी, मस्ती कर रही थी, और ये हमेशा जब इनके पास जाती है तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आती। इसके बाद ये गई अंकल के पास जिनका होम स्टे है ये, तो उनके साथ भी खेल रही थी, बहुत मस्ती कर रही थी। मतलब ये फेमिलियर हो जाती है बहुत जल्दी, ये बहुत शर्माती नहीं है। तो यहाँ पे अब हमें रात हो गई थी, उसके बाद हमने डिनर करके हम सो गए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सुबह बाय।